हेलो दोस्तों, सो आप में से कितने लोग हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के बारे में जानते हो? ये वही इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है जो ओला आने से पहले इंडियन मार्केट में काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। वैसे क्या आपने कभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोची थी? क्या आप जानते हो कि ये स्कूटर कंपनी हीरो मोटर कॉर्प्स, जो हीरो स्प्लेंडर एंड हीरो प्लेजर जैसे टू व्हीलर बनाती है, उनकी कंपनी नहीं है? और सबसे मेन बात, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी बंद होने के कगार पर है? ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। The government may soon take action, including clawing back of subsidies taken wrongly and even file an FIR. जो डिमांड आएगी वो कहाँ से आएगी? आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में हैं, तो मेजर डिमांड। Conducting a probe into misappropriation of subsidies and violations of localization criteria. Indian EV manufacturer Hero Electric has launched three new versions of its electric scooters in the country. Roadmap है, काफी aggressive आप planning के साथ जा रहे हैं। Investment क्या किस तरीके का कर रहे हैं, अगर आप share करना चाहें तो। Its report against two electric vehicle players, Hero Electric and Okinawa. देखिए, जो हमारा product portfolio बड़ा wide portfolio है, and targeted different segments. Hero की शुरुआत हुई थी in 1956. कंपनी की शुरुआत की थी ये सोच के साथ कि उन्हें इंडियंस की ट्रैवल इजी करनी है विद देयर प्रोडक्ट्स। इसके चलते हीरो एक बहुत बड़ी ब्रांड बनी एंड अपने बिजनेसेस काफी सेक्टर में एक्सपांड करती चली गई, जैसे बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड अदर। हीरो एक वेल नोन एंड ट्रस्टेड ब्रांड बनी इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट आगे चल के इनके फैमिली ने बिजनेसेस मैनेजमेंट डिवाइड कर ली, तो क्रॉस बाइक्स, हीरो एक्सपोर्ट्स एंड मेडिविया, ये सब आए हीरो एकोटेक के अंडर अलोंग विद हीरो इलेक्ट्रिक। वही जब हीरो मोटर कॉर्प अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन ओपन कर रही थी तो उन्हें हीरो नाम यूज करना अलाउड नहीं था, क्योंकि ग्रीन एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हीरो नाम वो यूज नहीं कर सकते थे, ऐसी एग्रीमेंट हुई थी। तो हीरो मोटर कॉर्प ने जब अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई थी तो उसकी कंपनी का नाम रखा था वीडा इलेक्ट्रिक। वहीं पर इलेक्ट्रिक मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा था। 2022 में जहां हीरो इलेक्ट्रिक ने 98,939 यूनिट सेल करे थे, तो वो एक की प्लेयर थे इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट। बट अचानक से 2023 में -70% से ईयर ऑन ईयर से नीचे गिरे, जहां कंपनी ने 29,800 यूनिट्स बेचे थे। जहां एक टाइम पे हीरो इलेक्ट्रिक रेस में सबसे आगे था, तो ऐसा क्या गलतियां हुई थी जिसके चलते हीरो इलेक्ट्रिक आज ऑलमोस्ट रेस से ही बाहर होने के कगार पर है? सो कंपनी की कई गलतियों में से एक गलती थी ब्रांड अवेयरनेस पे ध्यान नहीं देना। मतलब कंपनी ने ब्रांड मार्केटिंग पे कभी ज्यादा फोकस नहीं दिया था। जहां ईवी बायर्स एक स्मार्ट एंड रिसर्च्ड बायर थे, जो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट पे रहते थे, तो एज अ ब्रांड जो ईवी सेल कर रहा है, उनका प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट काफी कम था। कंपनी अपने ओल्ड कंजर्वेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही थी, जहां इस स्पेस में इतनी तेजी से चीजें बदल रही थी एंड काफी सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल थे, तो कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट रीच आउट करना था टू कस्टमर्स, जिसमें कंपनी बुरी तरह फेल हो गई। इसके कंपैरिजन में अगर ओला कंपनी को देखेंगे तो उन्होंने काफी फोकस दिया था ऑन ब्रांड मार्केटिंग। ओला प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही फीचर को हाईलाइट करके लोगों के सामने रख रहे थे। इसके चलते लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी फॉर द प्रोडक्ट, एंड जैसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था तो लोग उसे एक्सपीरियंस एंड लेने चले गए। जहां हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी पहले से स्ट्रगल कर रही थी, तो वहीं पर अगस्त 2023 में उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज जो मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे थे वो स्टॉप कर दी। गवर्नमेंट ने 7 OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग हीरो इलेक्ट्रिक को सब्सिडी कैंसिल करी। ये सब्सिडी कैंसिल करी गई थी क्योंकि ये सब्सिडी उन्हें दी जा रही थी जो व्हीकल्स प्रोडक्शन में मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज कर रहे थे। बट इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि हीरो इलेक्ट्रिक एंड बाकी 6 कंपनीज इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स लाकर यूज कर रहे थे इन प्रोडक्शन एंड सब्सिडीज क्लेम कर रहे थे। इसके चलते कंपनी को बहुत ही बड़ा फटका लगा। जहां पहले से कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही थी, तो ऊपर से गवर्नमेंट सब्सिडी भी कैंसिल हुई एंड कंपनी को पेनल्टीज भी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ी। बट इसमें गवर्नमेंट की गलती तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी की पूरी गलती हीरो इलेक्ट्रिक की है, जहां उन्होंने बैड प्रैक्टिसेस फॉलो कर स्कूटर जल्दी से जल्दी बनाकर इंडियन मार्केट में उतारने की रेस में थे। कंपनी ने कभी ज्यादा फोकस ऑन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एंड R&D पे लगाया ही नहीं। हीरो इलेक्ट्रिक को बस एक फायदा था एंड वो था कि वो मार्केट में पहले थे। बट पहले होना एंड सक्सेसफुल होना में बहुत डिफरेंस है। जब मार्केट में अदर OEM जैसे एथर एनर्जी, TVS, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने प्रोडक्ट्स लाना शुरू किए, जो आते थे विद गुड बिल्ड क्वालिटी,
इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड गुड फीचर्स के साथ तो लोग उन ब्रांड्स की तरफ चले गए। कॉम्पिटिशन काफी टाइम से अपना टाइम स्पेंड करके अच्छे प्रोडक्ट्स विद गुड एंड लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ रहे थे। यही रीजंस के चलते हीरो इलेक्ट्रिक अपने प्रोडक्ट्स के साथ काफी आउटडेटेड होना शुरू हो गई थी। और गलतियां जो हीरो इलेक्ट्रिक से हुई वो थी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं प्रोवाइड करना टू द कंज्यूमर्स। हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कंपनी ने अट्रैक्टिव डिस्काउंट या कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो प्राइसिंग नहीं रखी थी, तो इनके प्रोडक्ट कंज्यूमर को कभी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगे। जिस प्राइस पॉइंट पे हीरो इलेक्ट्रिक अपने स्कूटर बेच रही थी उसकी अकॉर्डिंग तो उनकी एक चार्ज पर रेंज काफी कम थी। मार्केट में न्यू प्लेयर आ रहे थे जो अच्छे प्राइस पे और भी ज्यादा रेंज दे रहे थे इन सिंगल चार्ज। फीचर लिस्ट के मामले में भी हीरो इलेक्ट्रिक काफी पीछे था। जहां ओला एथर टीवीएस अपने स्कूटर में डिस्प्ले दे रहे थे, मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्ट दे रहे थे एंड ऐसे कई फीचर्स दे रहे थे, उसके कॉन्ट्रास्ट में हीरो इलेक्ट्रिक बेसिक फीचर भी सही से नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। वहीं पर स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी काफी एवरेज थी जिसके कारण लॉन्ग रन में लोगों को दिक्कत आ रही थी। एग्जिस्टिंग यूजर से काफी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो क्लेम रेंज थी वो स्कूटर उन्हें नहीं प्रोवाइड कर रही थी एंड जो कंपनी की तरफ से सर्विस एंड सपोर्ट था वो भी काफी वीक था। इस सब के चलते हीरो इलेक्ट्रिक को आज मार्केट में कोई यूजर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने जा रहा है कंसीडर नहीं कर रहा है। कंपनी ने अगर समय रहते ही R&D पर फोकस कर अपनी नई बैटरी टेक्नोलॉजी पे फोकस करते एंड यूजफुल डिजाइन के साथ अपने न्यू स्कूटर्स इंडियन मार्केट में लाते तो कंपनी की स्टोरी काफी अलग रहती। वैसे अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब चाचा को पता चले कि इस चैनल का कंटेंट अच्छा है तो और भी लोगों को ये चैनल सजेस्ट कर पाए। वैसे इस दूसरे वीडियो में मैंने बात की है ओला इलेक्ट्रिक की रियल स्टोरी के बारे में, जहां शुरुआत में इटरगो को कैसे एक्वायर करके अपना प्रोडक्ट एज ओला इलेक्ट्रिक बनाकर इंडियन मार्केट में बेचा है। ये सारी स्टोरी इन डिटेल में कवर की है तो इस वीडियो को जरूर चेक करना। बाकी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।